अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खैर खरीत से होंगे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट चुपके से शुरू करते हैं क्योंकि अभी नीचे वो छोटी नोजी वाला आया, उसको डराते हैं। उसने मुझे पता है अभी वो नीचे अंदर इंटर हुआ है, तो अल्लाह का नाम लेके जो उनसे ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और उसको डराते हैं। देखना अभी वो ऊपर आएगा उसको डराते हैं। नीचे आवाज़ें आ रही हैं अभी अभी, वो अभी इंटर हुआ है सिर्फ, अभी डराते हैं उसको। वेट तो गाइस ये छोटी नजी वाला आ गया। को हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे? तो आप डरे क्यों नहीं हो? हैं इधर मेरी तरफ देखो ना, थोड़ा सा डर। क्या हुआ था? लो जी थोड़ा सा डरे थे माजी साहब। और तो आप आज क्या करने आए हो यहाँ पे? आपको इंग्लिश आती है? थोड़ी सी इंग्लिश ही बोल के सिखा दो। इंग्लिश में गाइस को कुछ को है? तो मैं कैसे बोल दूं? मेरी तरह नकल तो उतार के को, अगर मैं लोगों को क्या कहता हूँ इसकी तरह देख के को ना, कैसे मैं कहता हूँ? लो जी गाइस, पूरी किट शिट करके ये चेक करें। हाय हाय हाय, ब्लू ब्लू किट शिट करके जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। तो लेट्स गो। यहाँ पे भाई बैठ गए हैं, भाई भी पूरी किट में है, वहाँ भाई भी आए हुए हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी गाइस, हम निकल रहे हैं क्रिकेट के लिए। लो जी सामान आ चुका हुआ है, हम मुबशर भाई भी आने वाले हैं। बैग आ गया हुआ है और जी मुबशर भाई आ गए हुए हैं। बशर भाई आ गए हुए हैं। वालेकुम सलाम। लो जी अब इनके साथ अब निकलना है हमने। वहाँ पे किधर जाना है? बना बोल्टन, बोल्टन जाना है गाइस। वहाँ पे एक है एक इंडोर प्रैक्टिस वाला, तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस वगैरह करनी है। रेडी है प्रैक्टिस के लिए? खलियाँ भी रेडी हो फिर रात में? लो जी गाइस निकलते हैं अभी इंडोर प्रैक्टिस के लिए। वैसे थोड़ी बहुत ये गाइज अभी पास से जाके भी आपको दिखाते हैं, मे भी वो चल पड़े। जो मिस्टर बीन की गाड़ी नहीं थी है, मैंने ये यूके में पहली दफ़ा देखी है जिसके सिर्फ तीन टायर। ये भी आगे आते हैं, ये देखिए सिर्फ तीन टायर है। ये फाइनली गाइज हम आ चुके हुए हैं क्रिकेट पॉइंट पे, जहाँ पे हमने करनी है प्रैक्टिस। और ये हमारे लिए मेरे ख्याल से खोलने लगे हैं दरवाज़ा, और अंदर जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस मारते हैं। यहाँ पे अनकरीब उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स वगैरह भी आएंगे। और यहाँ का जो ओनर है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा उनको, वो बैकग्राउंड पे उन्होंने अभी लाइटें वगैरह चलाई हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, और जब कोई प्लेयर आएगा ना पाकिस्तानी इंशाल्लाह क्रिकेटर, तो मैंने इनसे बात की हुई है, इंशाल्लाह मैं जो उनसे ना उनसे भी मिलेंगे। लो जी ये क्रिकेट पॉइंट है, इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम। और ये है कि ये बैट वगैरह भी हैं, इनकी प्राइस वगैरह भी पूछते हैं उनसे और आप लोगों को बता देते हैं। और जो भी यहाँ पे करीब रहने वाले बंदे हैं ना, वो लाजमी रहा पे जी बिल्कुल। सही ठीक हो गया। शर्ट्स वगैरह ये कितनी क्या क्या प्राइस हैं इनके? 10 पाउंड ईच है और ओरिजिनल शर्ट्स हैं। सही हो गया। मतलब सारी टीम्स वगैरह की मोस्टली जो लेटेस्ट चल रही हैं। ठीक हो गया। ये वाले बैट ग्रेड 1, इसकी 240 प्राइस है। सही हो गया 240। पैड्स वगैरह, पैड्स की और ग्लव्स की क्या प्राइस? ग्रेड 1 सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, 40 पाउंड्स, देन अकॉर्डिंगली 35 पाउंड्स, 30 पाउंड्स। और फिर ग्लव्स की भी द सेम 35, 30, 25। थाई पैड्स में दो ग्रेड्स हैं, बेसिकली 30 एंड 25। और जो बैग्स हैं डफल बैग्स वो 50 पाउंड्स। सही है। तो ये आप सारा सामान कहाँ से मंगवा रहे हैं? पाकिस्तान से। सही है। बैट का जैसे मैंने बताया वो टंगन पूरा लॉट खरीद के यहाँ से भेजा था पाकिस्तान, फिर मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से करवाई थी। ठीक हो गया। नहीं जी मुबशर भाई स्ट्राइक पे जाते हुए देखते हैं यहाँ पे कितने छक्के मारते हैं। वहाँ भाई यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए
चलो जी, लो जी, फर्स्ट बॉल करवाते हुए क्या ही बात है। पाँच से सात साल बाद ये मैं बाल पकड़ के करवा रहा हूँ, और हार्ड बॉल मैंने कभी करवाई भी नहीं। बेसिकली मैं टेनिस बॉल खेलता रहा हूँ, तो एक और बॉल तेज करवाते लो जी। वहाँ भाई यहाँ पे बाल करवाते हुए उफ, क्या ही बात है। ओह भाई साहब, बैक एंड शॉट देखे बगैर ही। तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं। पहली दफ़ा मैंने क्रिकेट का सामान पहना, ये बैट वगैरह पहली दफ़ा हार्ड बॉल का मैंने कभी नहीं ये चीज़ें पहनी, तो बड़ा अजीब अजीब लग रहा है। अभी हम खेलने जाते हैं, बिल्कुल न्यू सामान है। तो कोई कैंच पाना हो जी, इसको उतार के तो इसको सेट करना पड़ेगा। ये लो जी, फौजी तैयार हो गया पबजी वाला, तो जाकर हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। देखिए जब प्रेशर आता है ना, ये तरीका कार है, जब आप पे प्रेशर आए ना, जब आप पे प्रेशर आए तो सिंगल, कुछ नहीं और करना, समझ आती। इधर सारा कुछ कैप्टन कोच। तो निशान चेक करेंगे, बहुत मारा, वो कह रहे हैं अगले दफा तुम्हें साथ में ले जाना। तो क्या कर सकते हैं भाई, जब शेर के हाथ में कुछ भी आ जाए नहीं बचता, बस। थैंक यू। हेलो जी, क्रिकेटर आ गए सामने, शुक्र अलहमदल। कैसे हो? ठीक ठाक सर। हार्ड बॉल है, 100 माइल के ऊपर अभी जाएगी। अभी ये चार्ज हो रही है मशीन, या क्या सीन है? हेलो हेलो, 100 माइल आस्था वाला सीन नहीं ना रख रहे हैं, असल मसला ये। अभी चेक लो जी, ये मशीन रेडी हो रही है, ये 90 पे जाएगी। ओ भाई, अरे 90 है। अच्छा, 95। असि तो मजाक कर रहे थे, 40 करा रहे थे मेरे ख्याल में। 99, 100, जबरदस्त।
तो ये 100 पे थी, ये वाली मशीन ने रखी हुई है स्पेशल 100 पे वाली। हाँ 100 इन्हीं स्विंग अंदर वसीम अकरम उठाया, थोड़ा आगे करो। लो जी बच्चों की प्रैक्टिस होते हुए, थोड़ा और मशीन अभी एडजस्टमेंट होते हुए। तो पब्लिक ये जहाँ पे हम आए हैं उनके ओनर और उनके भाई, ये जरा इंट्रोड्यूस करवा दे इस जगह का और क्या सीन है सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्रिकेट पॉइंट ये हमने बोल्टन में खोला है, फर्स्ट इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी खोली हमने बोल्टन में, और ये मैनचेस्टर के इलाके में पहली फैसिलिटी है जिसमें 4 लेन्स हैं, ECB अप्रूव्ड पिचेस हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग आपको यहाँ प्रोवाइड होगी, और हमारे कोचेज जो हैं उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल हैं और आप लोग भी हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ सारे आके ट्रेनिंग करें। सही लोकेशन लाइक पोस्ट कोड बता देना। BL470B बोल्टन में है, फार्नवर्थ एरिया का नाम है। सही पार्किंग पे लगा दी है, वहाँ से निकल आए हैं खाना खाने के लिए, और ये इस तरह का मेरा खाने का बड़ा दिल होता है कि पूरा रोस्ट खाना। ये मरीस क्या नाम है, मोरिस इस तरह करके है, यहाँ से हम ना कुछ खाते हैं, भूख बहुत डाडी लगी हुई है। यहाँ पे हम आए थे जहाँ पे आपको बताया अभी बाहर से इंटर हो, ये हमारे सब्सक्राइबर मिले हमें बोल्टन में, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आए थे और शॉप पे आए, वो दस्ती उन्होंने पहचान ली है। क्या नाम है भाई का? हुमायूं नाम है। तो जो अगला व्लॉग आएगा ना वो व्लॉग में देखेंगे, तो ये भाई आएंगे व्लॉग में, ठीक है। लस्सी स्टार्ट में लो जी गाइस, गरम गरम माल गदाम आ गया, स्टार्टर इसको बोलते हैं, और ये चेक करते हैं कैसा है, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, चेक करने के बाद आप लोगों को फिर बताते हैं, और फिर बाद में जो चीज़ें आएंगी वो भी दिखाएंगे। एक कढ़ाई और अभी आ रही है, और बाद गपशप काफ़ी होगी, काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा हमें इसके लिए, अभी स्टार्टर खाया था तो कढ़ाई अभी आई है, और साथ आ गई रोटियाँ, तो अभी दूसरी कढ़ाई भी शायद आ रही है। ये लैम की है ना, ये लैम की कढ़ाई है और चिकन की कढ़ाई अभी आनी है गाइस। लो जी खाना खा लिया, बहुत मज़ेदार और लजीज खाना था, चस आ गई, अब घर निकलते हैं, टाइम बहुत हो गया, लेट्स गो। लो जी देखने वाले प्यारे लोगों, रास्ते में एक बहुत खूबसूरत जगह आई थी, रेजर वायर जिसको वार पता नहीं क्या कहते हैं, तो रास्ते में स्पेशल इस नज़ारे के लिए मैंने रोकी है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी आप बंदा कर सकता है। ये देखें कितना खूबसूरत मौसम है, और अगली तरफ आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेक करें, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाइस, माहौल चेक करें कितनी ग्रीनरी है, वो चेक करें ये भी पानी है, तो बड़ा माहौल है। मैं स्पेशल गाड़ी यहाँ पर रोकी है इन्होंने, 1892 का मेरे ख्याल, नहीं 1882 का, ये भैंस की दुम। लो जी गाइस प्लानिंग चल रही है कि ये होगा वो होगा वो होगा, हवा बड़ी तेज़ है, माहौल चेक करें ज़रा, ये चेक करें, चेक करें, वो पहले हम वहाँ से वीडियो बना रहे थे, अब यहाँ पे आ गए हुए हैं और यहाँ पे आके वीडियो बना रहे हैं, चेक करें। तो माहौल इंजॉय करो, इंजॉय। लो जी पब्लिक, हम वहाँ भाई छोड़ के जा रहे हैं, और आज का व्लॉग अब यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत थकावट होगी, जाके लेटे मरें सो जाएं क्योंकि कल मेरी जॉब है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा देना, और शकील व्लॉग को सपोर्ट कर देना, और लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।